मसीह थे हिंदू, वैष्णव तिलक लगाते थे ईसा मसीह। हो गया बड़ा खुलासा। इस जगत गुरु ने ईसा मसीह को लेकर किया बड़ा दावा। ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट, ये तो सभी जानते हैं कि उन्हें क्रिश्चियन धर्म के लोग पूजते हैं, उनके भगवान हैं ईसा मसीह। लेकिन अब उनको लेकर एक दावा किया गया है जो कि बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि बरसों से क्रिश्चियन धर्म के लोगों के भगवान ईसा मसीह को अब हिंदू बताया जा रहा है। और ये दावा किया गया है छत्तीसगढ़ से, जहां के गोवर्धन पीठ के मठाधीश जगत गुरु ने इस बात का खुलासा किया। चलिए आपको भी बताते हैं कि क्या कुछ चौंकाने वाली बात उन्होंने बताई। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गोवर्धन पीठ के मठाधीश जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने एक बड़ा दावा कर दिया। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती रायपुर के शंकराचार्य आश्रम पहुंचे हैं और वहां उन्होंने मीडिया से बहुत से विषयों पर बात की। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां उन्होंने साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार कर दिया, तो वहीं ईसा मसीह के हिंदू होने का दावा किया। उन्होंने कहा, विदेश में ईसा मसीह की वैष्णव तिलक लगाए प्रतिमा है। 10 साल तक ईसा मसीह भारत में रहे, जिसमें 3 वर्ष पुरी में बिताए और पुरी के शंकराचार्य से उनका संपर्क था। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह वैष्णव सिद्धांत के अनुयायी थे। उन्होंने साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार कर दिया। शंकराचार्य का कहना है कि वे बाजार और व्यापार से प्रभावित हैं। हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है और जो लोग आज अलग अलग धर्मों की बात कर रहे हैं, उनका मूल धर्म सनातन ही है। वहीं जब उनसे ये सवाल किया गया कि आदिवासी भगवान की जगह प्रकृति की पूजा करते हैं, इस पर उन्होंने कहा, प्रकृति के पूजक हैं। प्रकृति की परिभाषा उनको आती है क्या? वे अपने को हिंदू नहीं मान रहे, मनुष्य तो मान रहे हैं ना, प्राणी तो मान रहे हैं ना। अगर मनुष्य मान रहे हैं तो मानवोचित शील कहां से लाएंगे? इसके लिए आखिर में उन्हें हिंदू धर्म अपनाना ही होगा। वहीं इसके अलावा शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने द्वारका पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को धर्माचार्य मानने से भी इनकार कर दिया। और जब उनसे पूछा गया कि धर्माचार्य की परिभाषा क्या होती है, तो निश्चलानंद सरस्वती ने बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हुए कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले इसी दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। आपको बता दें, शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिए पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वे रायपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बातें कही। फिलहाल शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।